गुड मॉर्निंग, क्लास 10, सब्जेक्ट हिंदी, अध्याय 7, रामनिश त्रिपाठी कृत स्वदेश प्रेम। तो आइए देखते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय रामनिश त्रिपाठी जी का। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात उनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया तथा साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। सन 1962 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। प्रिय छात्रों, कहने का आशय यह है, व्यक्ति जब संकल्प ले लेता है और लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो अपने कर्मों के द्वारा उस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। त्रिपाठी जी मननशील विद्वान तथा परिश्रमी थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर उनका पूर्ण अधिकार था। कहने का आशय यह है, चाहे गद हो चाहे पद हो, दोनों पर समान रूप से अधिकार था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पथिक, मिलन और स्वप्न या काव्यखंड है, मानसी, स्फुट कविता संग्रह यानी कि छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है, कविता कौमुदी, ग्राम गीत यह संपादित है, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचनात्मक ग्रंथ है। त्रिपाठी जी आदर्शवादी थे। उनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नए युग का संकेत है। उनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंड का अत्यंत लोकप्रिय हुआ। कारण यह था कि आम जनता जो चाहती थी, जो उसकी इच्छा थी, मनोकामनाएं थी, संपूर्ण रूप से उसमें देखने को मिलता है। त्रिपाठी जी की भाषा सरस एवं सरल खड़ी बोली है। अनुप्रास, रूपक एवं उपमा आदि अलंकार उनकी कविताओं में सर्वत्र मिलते हैं। उनमें माधुर्य और ओज है। शैली सरस, चित्रात्मक एवं अति प्रवाहपूर्ण है। उसमें वर्णात्मकता एवं उपदेशात्मक के दर्शन होते हैं। त्रिपाठी जी उच्च कोटि के लेखक, कवि एवं पत्रकार थे, यानी कि तीनों गुण मौजूद था। राष्ट्रीयता की भावना उनके काव्य का मूल आधार है। उनका रोम रोम भारतीयता से ओतप्रोत था। उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, भक्ति एवं लोक प्रिय देश प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित है। चरित्र चित्रण की स्वाभाविकता एवं प्रकृति चित्रण में उन्हें असाधारण सफलता मिली है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहा गया है, स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आती थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणी और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। व्याख्या स्वदेश प्रेम श्री रामनरेश त्रिपाठी। 7वां अध्याय। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण अगणित बात सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। पहला व्याख्या। संदर्भ प्रस्तुत काव्य हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के स्वदेश प्रेम नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। शब्दार्थ अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। दिवाकर यानी कि सूर्य, निशाकर चंद्रमा, तारागण ताराओं का समूह, नभ आसमान, रणगर्जन यानी कि विजय घोष। तो आइए देखते हैं व्याख्या। कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, जिनके अनुपम शौर्य प्रताप की साक्षी यानी कि गवाह आसमान में सूर्य आज भी दे रहा है। वे वही पूर्वज थे जिनकी स्वच्छ और निर्मल कीर्ति को सभी जगह घूम घूम कर चंद्रमा भी देख चुका है। हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका है। हमारे पूर्वज महान थे, यही कारण है कि उनकी विजय घोष की खुशी को आसमान अनगिनत बार सुन चुका है।
कहने का आशय यह है कि हमारा पवित्र चरित्र, पूर्वजों का प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल, सब कुछ अच्छा था। तो काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। देश प्रेम की भावना है इसमें। 16-16 मात्राओं का नाटक छंद है। अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। वीर रस की कविता है इसलिए ओज गुण है और भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरा व्याख्या, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। शब्दार्थ, शोभित यानी कि सुंदरता, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, दिव्य अलौकिक, मस्तक माथा, सकल दिशाएं सभी दिशाएं, जय गीतों यानी कि वीरता से संबंधित गीत, अविरल निरंतर, हिमगिर हिमालय पर्वत, विमान दल विमानों का समूह, वक्षस्थल यानी कि सीना। तो आइए देखते हैं व्याख्या। कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारा देश भारत हमारे चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है। इसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। यही तो वे पूर्वज थे जिनकी महिमा का साक्ष यानी कि गवाह आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। हिमालय का भी अपना इतिहास है। इसके विशाल यानी कि बड़े वक्षस्थल यानी कि सीना पर विभिन्न लोकों के यानी कि देशों के विमान समूह बना बनाकर आज भी उतरा करते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य देश प्रेम की भावना है। 16-16 मात्राओं का नाटक छंद है। अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकार है। सरस सरल साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ओज गुण दिखाई देता है और प्रभावपूर्ण भावात्मक एवं आकर्षण शैली का प्रयोग किया गया है।